अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू सियासत मना है। हम आज बात करेंगे प्यू रिसर्च सर्वे की, जिन्होंने 1800 के करीब लोगों से पाकिस्तान में हर साल पूछते हैं बहुत सारे सवालात। अप्रैल में पूछे इस साल, लेकिन खसूसी तौर पे उसामा बिन लादन के मारे जाने के बाद, उसके खिलाफ ऑपरेशन एबटाबाद ऑपरेशन के बाद एक दफ़ा फिर सर्वे की। तो इस दफ़ा प्यू सर्वे की एक डबल रेटिंग टैली है, 1800 पहले 1800 बाद, और उन टैलीज के अंदर काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। 92% पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान गलत सिंध पे चल रहा है। काफ़ी अक्सरियत पाकिस्तानियों की कहती है कि हम ये वॉर ऑन टेरर, जी अब ये लड़ेंगे इनके खिलाफ तो क्यों लड़ेंगे। इसकी मेजॉरिटी जो है वो अब एक वेनिंग कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उनके लिए सबसे दिलचस्प बात है कि जिन साहब की एक भी सीट नहीं है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासतदान हैं। एंड इमरान खान साहब, उनके बारे में जब पूछा गया तो सबको बड़े पसंद है। पीपल्स पार्टी के लोगों को भी वो सबसे ज़्यादा पसंद है, नवाज शरीफ साहब के लोगों को भी वो सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़ाहिर है, और बाकी इलाकों के लोग भी। उन्होंने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया इमरान खान साहब को। इस पर और बाकी सारी जो तफसील है इस रिपोर्ट के अंदर आई है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है मुजाहिद बरेली साहब को, हमारे सबसे सीनियर एंकर हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी सबसे सीनियर ही एंकर होंगे मुजाहिद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मुजाहिद साहब। ये पहले तो 92% पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान जो है वो बस गलत रास्ते पे चल रहा है, ये फिर दुरुस्त है ये आपके ख्याल में? एक तो मैं उम्मीद आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो ज़रा, मैं तो ज़रा देहाती अपने को समझता हूँ, क्योंकि ज़रा लोकल पॉलिटिक्स और लोकल जो स्ट्रक्चर है या मालूमात हैं उससे करता हूँ। ये इसका बुनियाद क्या होती है, यानी ये जो हम देखते हैं अमूमन को अमेरिकन सर्वे करते हैं या ब्रिटिश करते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। पाकिस्तान में तो एक रवायत थी कि एक गैलप सर्वे बड़ा मुस्तनद समझा जाता था और मुस्तनद समझा जाता है, जिसमें गुरबत और इफलास और महंगाई। और दिलचस्प बात यह है कि पहली बार उन्होंने मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 98 के इलेक्शन में भी इंतखाबी मंजरनामा क्या होगा इस पर किया था। ये और बात है कि उनके बेशतर जो गैलप के थे सही साबित ना हुए। तो एक तो मुझे ये खुद एक क्वेश्चन है कि ये कौन लोग हैं, यानी जो प्योर जो भी आप नाम ले रहे हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है वो इस तरह होता है कि वो अपने ऑन द ग्राउंड लोगों को एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं और उनसे अलग अलग इलाकों की सर्वेस करवाते हैं और फिर उसका एक मार्जिन ऑफ एरर रखते हुए रिपोर्ट करते हैं। इनका मार्जिन ऑफ एरर +-3 है और इन्होंने अपनी ये प्यू सर्वे देने के बाद एक बात कही है, एक वार्निंग दी है कि जनाब हमने 15% पाकिस्तानियों से नहीं पूछा क्योंकि वो फाटा में रहते हैं और क्योंकि वो बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हम अपने नुमाइंदों को भेज नहीं सके। और फिर वो उन्होंने मेरे हिसाब से जो अच्छी जो इस सर्वे को फेयर करता है वो बता देते हैं सवाल क्या पूछा। वो सवाल ये होता है कि आपके ख्याल में, क्योंकि इस सवाल का फिर जवाब जो है वो बायस्ड आएगा उनका, या इमरान खान बड़े अच्छे हैं तो उसका हाँ या नहीं में जवाब वो बड़ा बायस्ड आएगा। तो सवाल ये होता है कि आपके ख्याल में, जैसे ये जो था जिसके अंदर इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर रहे, आपके ख्याल में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर, आपके ख्याल में पाकिस्तान के आपकी फेवरेबल पाकिस्तानी लीडर्स की आपकी किसके साथ? देखिए उम्मीद, एक तो मैं इसको अगर सियासी नुक्ता से देखा जाए, हमारे लिए तो क्राइटेरिया पाकिस्तान के इलेक्शन ही होंगे जो 1970 से हो रहे हैं। और 70 के भी हमने इलेक्शन में देखा था कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जिस पैमाने पर शौकत इस्लाम के जुलूस निकल रहे थे जमात इस्लामी के, और दीनी और मजहबी जमातों ने जो उस वक्त एक तूफान खड़ा किया हुआ था, लग रहा था कि जुल्फ़ार अली भुट्टो तो उसके सामने शायद स्टैंड ही नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े शहरों में उस वक्त का जो शो कॉल्ड प्रिंट मीडिया था, आज़ाद मीडिया जो अपने को कहलाता था, उसके सर्वे, भुट्टो साहब पता नहीं कहीं दूर दूर, यानी इवन ये कि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े अखबार, मैं नाम भी ले दूं हरज नहीं है, जो अखबार डॉन के मोहतरम हमीद हारून साहब जो बड़े इंटेलेक्चुअली और बड़े बहुत ही जर्नलिज्म का भी बैकग्राउंड करते हैं, तो उन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी को शायद 21 नशस्तें भी नहीं दी थी, जो बड़ी अथॉरिटी होती थी, यानी सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी ने 31 नशस्तों से ज़्यादा दी थी। तो अब आप देखें उस वक्त सिर्फ 4 जमात इस्लामी को सीटें मिली थी 1970 में। इससे बड़ी दीनी मजहबी जमातों की तहरीक नहीं चली उसके, और जमीयत उलमाए इस्लाम को 7 नशस्तें मिली थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो जरा सा थोड़ा लिबरल थी जमात इस्लामी थी उसको 8 नशस्तें मिली थी। टोटल नशस्तें जो है इन तमाम मजहबी जमातों को मिलाकर 19 से 20 हुई थी, इंडिपेंडेंट मिला दें 25 हुई थी। सर मेरा आपसे, आपको बुलाने का मकसद आज यही था कि आप मुझे तारीख के साथ साथ मुझे बता दें। देखें इमरान खान के फेवर में 68% पाकिस्तान कहता है कि इमरान खान जो है वो बेहतरीन आदमी है, लेकिन वोटर वो उसमें से 50% वोटर शरीफ का है और 50% वोटर ये ऐसे ही है ना कि देखिए अगर इस बारे में कोई डाउट है कि ईदी जो है, अगर आप किसी से पूछेंगे कि मेरे ख्याल में 99.9 लोग, शायद कोई कह दे नहीं जी वो बड़ा ऐसे ही, यानी पब्लिसिटी इतनी क्यों करता है, प्रेस रिलीज क्यों आती है, जिसमें लिखा होता है 12 आदमियों को दफना दिया, 18 बच्चों को गोद ले लिया, फला कर दिया, कुछ लोग इसमें भी इतराज करते हैं कि ये और कुछ बाकायदा प्रेस रिलीज इनकी आती हैं इनकी एम्बुलेंस की,
कुछ लोग एक जमाने में और भी बहुत सारे इल्जाम लगाते थे, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि 99% ये ईदी साहब जब एक बार इलेक्शन लड़े तो शायद उनके वोटों की तादाद जो थी वो हजारों तक भी नहीं पहुंची थी। ये तो एक पास्ट है। अब लोग ये समझते हैं कि ईदी साहब का ये जो रोल है इसमें तो 99% लोग साथ देंगे। अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या ईदी साहब वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, जो एक हमारे यहाँ इलेक्शन में जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो जो लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए वो समझते हैं कि ईदी साहब एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से, एक मुशीर की हैसियत से, वजीवर की हैसियत से डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान खान की भी सूरत हाल है ऐसे ही है कि जैसे आप अली जफर है, आतिफ असलम है, अब आप इनको इलेक्शन में खड़ा कर दें, मुझे यकीन है इन बेचारों को शायद अगर उनके जो जो गाने वानों पे ताल भी देते ना वो भी शायद इनको वोट डालने ना आए। तो ये एक इस तरह की जो एक पॉपुलर सपोर्ट की बुनियाद पर हम लोग तजिए करने बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये पाकिस्तान 90% अमेरिका के खिलाफ है। आइए चलिए मेरे साथ कहीं पर और किसी से कहिए जी, कहीं भी आप चले जाइए, इवन मदरसे में भी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। भाई आप में से ये बताइए अमेरिका को पसंद करते हैं आप, वहां में आपका अगर टिकट अगर दूं तो आप जाएंगे, शायद वहां पर आपके कपड़े तक वो जो है कोट वोट तक उतार दें, कहता हमने हर आदमी अमेरिका जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में पसंद नापसंद क्या है। राय जो है वो थोड़ी डिस्टेंस की वजह से बनाई जाती है मुझे सब, लेकिन ये जो पाकिस्तानी लीडर्स की उनकी राय है ये नहीं कि ये लोग कैसे हैं लोग कैसे नहीं है, ये हुक्मरान कैसे हैं। तो 68% पाकिस्तानियों ने कहा हाँ जी वो अच्छा आदमी है इमरान खान। इमरान खान को वो यही पूछते क्या इमरान खान एक कामयाब सियासतदान क्या प्राइम मिनिस्टर और सदर के लिए भी मुनासिब है, फिर मैं ये देखता कि ये रेशो ये होता। अच्छा 63% पे मियां साहब खड़े हैं मिराज साहब। अब देखिए 63% पाकिस्तान कहता है, मैं ये हो सकता है लॉर के शेर साहब जो हैं वो बस। अब ये देखिए ना कि ये लोगों की समझ में नहीं आता कि पिछले के गालिबन 1970 इलेक्शन का आ जाए, 1989 के इलेक्शन में आ जाए, 90 के इलेक्शन में आ जाए, फिर 97 में भले पीपल्स पार्टी को उस वक्त नशीस नहीं मिली थी लेकिन जो टोटल वोट पड़े थे उस वक्त भी उनके 70 लाख थे, 30-30%। 1970 से लेकर अब तक पाकिस्तान के जितने भी इंतखाबात आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी की वोट +30% रहे हैं, और 2002 के इलेक्शन में खासतौर पर जैसे आप कहते हैं कि जी 9/11 के बाद अमरीका की मुखालफत, अमरीका की दुश्मनी, अमरीका से हेटरेट इतनी बढ़ गई, उसमें यह तो हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर, और शायद उसका एक सबब यह भी था कि पहली बार मजहबी जमातें इकट्ठी हुई तो इनको कामयाबी मिली यानी MMA की सूरत में, लेकिन उसका फर्क कुछ पंजाब में नहीं पड़ा। अगर आप देखें उसका फर्क कुछ सिंध में नहीं पड़ा, इवन उसका फर्क बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में भी नहीं पड़ा। तो 2002 के इलेक्शन में जो हम समझते थे कि जनाब इनका जुलूस निकल जाना चाहिए उस वक्त कामयाब होते हैं मुशरफ की हामी सो कॉल पार्टी, चले उसको भी हम कहते हैं मैनिपुलेट। आ जाइए 2008 के इलेक्शन में जिसके बारे में गालिबन कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये इलेक्शन मैनिपुलेट हुए या इसमें बेमानी हुए। जो वोट मौजूद है देखें इसमें डिवाइड कर लेना, अगर 45 वोट जाली थे 45 वोट पीर पार्टी को नहीं मिले, वो नवाज शरीफ सबको मिले ना, देखिए ये वाली बात है, एक एक कोई ऐसी बात नहीं। लड़काने में वहां के हल्के के लोगों ने भरे, कराची में वहां के हल्के के, लेकिन एक मैं ये भी कह सकता हूं कि जी लड़काने में जितने वोट जुल्फकार अली भुट्टो को 1970 में मिलते थे या बात के जब बेनजीर भुट्टो को 1989 में मिले, वो बेनजीर भुट्टो को 90 के इलेक्शन में नहीं मिले, वो 2002 में जो अनवर भुट्टो साहब कामयाब हुए इनको वोट नहीं मिले। यानी ये भी और करें कि ये नहीं है कि लड़काना में उनकी इसी तरह लियारी, अगर आप देखें जो पीपल पार्टी का गढ़ है लियारी में जो पीपल पार्टी को वोट मिलते थे वो सरदार यानी बेनजीर साहिबा को सरदार नबील कबूल को नहीं मिले। तो मैं ये कह रहा हूं और बेशतर लोग अब पीर पार्टी को उस तरह वोट नहीं जाते उनके गढ़ में, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हमारे पास पाकिस्तान में हम इन सर्वे के बजाय क्राइटेरिया तो हमारे पास एक ही है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की पॉपुलरिटी का, और वह है हमारे जैसे भी भरे बुरे इलेक्शन। और इसमें भी मैं आपको ये बताता चलूं मोहित जाफरी साहब कि ये जो करप्ट तरीन जरदारी और करप्ट तरीन पार्टी और यानी नाहल पार्टी इनकॉम्पिटेंट पार्टी और लोग इस्तेमाल कर लें, अब तक जो भी जिमने इंतखाबात हुए हैं सिंध की बात नहीं कर रहा, ये जो गुजरांवाला में हुए हैं गुजरात में हुए अब तक होने वाले तमाम जिमनी इंतखाबात में वो जो आप जमशेद दश्ती को कहते हैं जी मुल्तान में वही कामयाब हुआ है, कोई मुख्तार अमाई को लोग वोट देने नहीं चले गए थे या वो मुखालिफ हुए थे, यानी ये जो इलेक्शन हुए हैं जिमनी इंतखाबात इसमें भी पार्टी सब में कामयाब हुई है। हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा जनाब कि जरदारी साहब 8% हैं, नवाज शरीफ साहब 83% हैं, तहरीक इंसाफ, इसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि अगर आने वाले 2012 के इलेक्शन में इमरान खान साहब जो है वो कहेंगे अमरीकनों ने कह दिया जनाब मैं तो इतने फीसद कामयाब हूं, नवाज शरीफ कहेंगे साहब अमरीकनों ने कहे सर्वे ने बताया है अमरीकन नहीं है ना, ये इसी तरह है जिस तरह लोग कहते हैं कि जी मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में जो है वो अमरीकन है, ये देखिए ये इमरान कोई भी 68% सुने
68% सबसे पॉपुलर आदमी लीडर पाकिस्तान में इमरान खान, सेकंड पे नवाज शरीफ जो पहले 71% पे थे पिछले साल, आज आके 63 पे आ गए। लोगों ने देख लिया जी ये भी हुक्मरान ही है। नहीं, नहीं, एक सेकंड, थर्ड जनरल अशफाक परवेज क्या है नंबर 3 पे? और इसमें क्या नहीं रखा क्यों गया 52%? नहीं, उनसे पूछा गया लीडर्स की आपकी फेवरेबल ये भी है, ये भी एक बड़ी सर्वे करने वालों की डिसऑनेस्टी है कि वो फौजी रहनुमाओं, फौजियों को आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ रखते हैं। फोर्थ पता है? फोर्थ हो या फिफ्थ, मैं समझता हूँ अगर आठवें नंबर पे भी होते। नहीं नहीं मेरा फोर्थ सुने ना, चौधरी इफ्तिखार अहमद। अब मोस्ट पॉपुलर चौधरी इफ्तिखार अहमद नहीं, मेरे ख्याल में तो नंबर वन होना चाहिए। अगर देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी सर्वे चाहे वेस्ट का किया हुआ हो चाहे हमारे अंदरूनी मुल्क का हो, जैसे मैंने कहा गैलप वाले भी करते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जरा बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल उसकी हुई ना कि जी करप्ट तरीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा, अब वो ये कहते हैं जनाब यहाँ तो पैसा ही नहीं आया। अब यानी जो उनकी जो ANP आवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत है, जितने के करप्शन के इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो पैसे ही नहीं आया जब मैं वहां पर गया था। तो इन बुनियादों पर मैं समझता हूँ मोहित, मैं तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हमने कभी संजीदा इन सर्वेस को नहीं लिया, चाहे वो पाकिस्तान में हुआ या पाकिस्तान से बाहर करने वालों ने किया हो। मैं आपको मसलन वगैरह एक इंटरेस्टिंग नजर आगे पढ़ा था इंडिया दुश्मनी और पाकिस्तान के बारे में। अब जनाब अभी आपने देखा ये जो कहां पर जो क्रिकेट का मैच हुआ था आपके चंडीगढ़ में? जी। मेरा ख्याल है अगर आप अगर कह देते ना कि भाई वाघा के बॉर्डर पे अपनी अपनी गाड़ियों और अपने बसों में आ जाओ, टिकट फ्री है, तो मेरा ये ख्याल है कि लाहौर तो खाली हो चुका होता। एक ब्रेक लेते हैं, ये जो हम काउंटडाउन दे रहे थे ना वो एक दफा फिर से देते हैं। इमरान खान सबसे पॉपुलर पाकिस्तान में 68%, नवाज शरीफ सेकंड मोस्ट पॉपुलर 63%, कल पिछले दफा सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, कियानी साहब 52%, चौधरी साहब, चौधरी इफ्तिखार अहमद 51%, उनके बाद गिलानी 37% जो कि पहले 50% से प्लस थे, और आखिर में जद्दारी साहब 11%। आप देख रहे हैं सियासत बना है SMH@CNBCPakistan.com पर लिखे हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।